सारा गुना ग्लूकोज से इतना पहले उन्होंने मैंने वीडियोस देखी, मुझे लगा कि ठीक है गुजारा है, गुजारा ही है। फिर जब इनके तहकीक के लिए उतना ना रिश्तेदारों ने रिश्ते जब हुआ था तो उतना तहकीक नहीं की थी जितनी अब इनकी तहकीक होती है। ग्लूकोफेज कंपनी वालों ने ना मार देना हमें, उन्होंने कहना कि केड़े डॉक्टर ने केड़ा टोला है। मेरी सारी दवाइयां बंद हो, दवाइयों की याद तो नहीं आई फिर। नहीं, लोग असल में रोटी छोड़ने पे तैयार नहीं होते। अच्छा, आपने जो डाइट प्लान पे अमल किया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतने अच्छे रिजल्ट्स ना बताओ कि लोग मुझे फ्राटिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिज एडिटर हूँ। हमारे पॉडकास्ट पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जहां जहां पे भी लोग उर्दू समझते हैं इन्होंने धूम मचा दी है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर तक हमारा मैसेज ये बार बार जो हम देते हैं कि शुगर गिजाई बीमारी है, बच्चे बच्चे की जुबान पे ये चढ़ गया है। हमने तकरीबन 30 महीने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किए 90 डेज चैलेंज, अभी हमारा 29 सीजन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि शुगर को बगैर दवाइयों के और बगैर इंसुलिन के आप रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयां छोड़ सकते हैं। जब मैं इंसुलिन की बात करता हूं तो इसमें टाइप 2 की मैं बात करता हूं, टाइप 1 की बात नहीं करते हम। हमारे सीजन के जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, डॉक्टर समरा जाहिद साहब, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आज जरा बताएंगे कि एज अ डॉक्टर उनके साथ क्या बीती, कैसे वो इंसुलिन पे चले गए, कैसे शुगर उनकी हुई। और स्टूडियो में हमारे जो डॉक्टर कैसर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाल्लाह आज आपको पॉडकास्ट में मजा आएगा। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, शुक्र। आप डॉक्टर होकर इतना स्लो बोल रही है, इतना स्लो बोल रही है, ठीक है डॉक्टर साहब, शुगर के असरात अभी तक कायम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी मैं कहती हूँ मेहरबानी, आपकी काविशों से जो हमारे प्रोग्राम आपने शुरू किया है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर, जबरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, कि कहां से आपने पढ़ा, एमबीबीएस कहां से किया? डॉक्टर समरा जाहिद है, मैंने एमबीबीएस बुलान मेडिकल कॉलेज से किया, क्वेटा से किया है। तो उसके बाद 2009 में हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए। अच्छा, यहां मैंने फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपने, और अभी आजकल कहां पे सर्व कर रही है मैडम आप? आजकल मैं अलबदर हॉस्पिटल है, अल खिदमत लाहौर में, ठीक है, और इवनिंग में अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस कर रही थी। तो गायनी की प्रैक्टिस कर, गायनी की प्रैक्टिस कर, इनफर्टिलिटी और जैसे इनफर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, गायनी, ठीक है, पीसीओएस के पेशेंट, सारे सारे कर रही, सारे डील कर रही, जबरदस्त। अच्छा, आपको आपकी शुगर की क्या कहानी है, ये कब होगी शुगर? सर मेरी 2020 में, वैसे साल बाद 6 माह बाद अपने टेस्ट लिपिड प्रोफाइल और HbA1c करवाती थी, CBC कर, 2020 जून में मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी 5.4 थी HbA1c। उसके बाद नॉर्मल थी, दिसंबर नवंबर दिसंबर में मुझे कोविड हुआ, ठीक है, उसके बाद जनवरी में मैं थोड़ा डेक्सा इंजेक्शंस लगे ना, स्टीरॉइड का इस्तेमाल बेसिकली कोविड के टाइम पे ज्यादा हुआ ज्यादा, तो मैंने तियातर, मैंने कहा बाद में चेक की जाए, तो उसके बाद मेरी आ गई 9.2। ओए होए, उस टाइम थोड़ा सा मैं पहली दफा आपको पता चला कि डायबिटीज है? डायबिटीज है। कुछ सिम्टम्स आपको थे डायबिटीज? सिम्टम्स ऐसा सच नहीं थी, बस थोड़ा सा भूख लगना, यूरिन का मुझे ज्यादा थोड़ा फील हुआ कि बार बार आ रहा है, बस भूख लग रही है बार बार, यूरिनेशन हो रहा है। उसके बाद मैंने ग्लूकोफेज बीडी में 500 स्टार्ट कर दी, खुद ही स्टार्ट कर दी। मैंने देखा डॉक्टर हैं तो मैंने देखा कि सबसे सेफ यही है, पहले नंबर की दवाई भी यही, दवाई यही है, सेफ यही है, वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैं 2021 में की, उसके बाद मैं जून में फिर अपना 6 मंथ बाद चेक करती रही तो मेरा 7.2 हो गया, बढ़ गया, ठीक है, नहीं कम हो गया, 7.2। फिर दिसंबर में मैंने किया तो 7.3, 6.9, मतलब ये फ्लक्चुएट होता रहा इस टाइम। फिर मैंने अपना ये दिसंबर नेक्स्ट जो 23 दिसंबर में किया ना, उस टाइम मेरा 8 हो गया। अच्छा, फिर बढ़ गया, हालांकि 6.3 भी
आया है बीच में, बेहतर भी हो गया। एट हुआ, एट उस टाइम थोड़ा सा मैं परेशान हुई कि ये एट क्यों आया, क्योंकि थोड़ी डाइट में मैंने खाने पीने का वो भूख लगती थी ज्यादा खाना पीना शुरू कर दिया। फिर दोबारा मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया कि मैंने कहा तो एट है, कहते और मेरी फास्टिंग वो भी फास्टिंग 130 और रैंडम 300 तक। अच्छा 300 तक रैंडम आपके। अच्छा उससे क्योंकि घर में चेक, मैं हर वक्त चेक तो डॉक्टर साहब ने कहा इंसुलिन शुरू कर दें वो सेफ है। अच्छा। मैंने कहा मुझे वीकनेस बहुत हो रही है। आपके क्लिनिक के डॉक्टर थे जी? क्लिनिक के, उसी से पहले मैंने स्पेशल किसी, मैंने कहा कि आप कह लेंगे इंसुलिन डॉक्टर साहब शुरू कर दें वो सेफ है, ग्लूकोफेज से आपको वीकनेस भी बहुत हो रही है। वीकनेस मुझे होती थी, थकन सर वक्त, वो बेसिकली शुगर ज्यादा रहने से भी और साथ दवाई का साइड इफेक्ट। वो कह रहे थे कि जी ग्लूकोफेज से हो रही है आप इंसुलिन। हालांकि डॉक्टर साहब जो कमजोरी और थकन है वो डायबिटीज की वजह से, वो डायबिटीज का, ग्लूकोफेज का वैसे सारा गुना ग्लूकोफेज इतना पड़ा। उन्होंने मुझे ये असल में टाइप 2 डायबिटीज की मेन मसला ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, और ऊपर से इंसुलिन लगा के अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो आप एक प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स करने जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो फिर आपने इंसुलिन भी बाय द वे इंसुलिन एक मां मैंने वो रेगुलर वाली शो की, ठीक है 8-10 कभी थोड़ा खा लिया तो 10-12 वो अच्छा। कहते अपने खाने पे जैसे आप अच्छा। खाएं उसको बढ़ाते हैं। जैसे जैसे खाते जाएं इंसुलिन बढ़ाते हैं प्रोग्रेसिव। वो एक दफा ऐसा हुआ कि मैं बाहर संडे को किंग आया, तो उस टाइम मुझे हुआ कि ये साथ में आइस बैग में इंसुलिन भी है और साथ पहले इंसुलिन भी है और यहाँ लगाऊं और फिर उसके बाद खाऊं, तो फिर उस दिन मुझे बड़ी बेसिकली इंसुलिन लगानी और खाना भी ज्यादा ना, लो ना हो जाए। लो जाए वही ना कि इतनी वो दिन रात बस वो परेशानी ये हर वक्त चेक भी करना। पहले में एक महीना लगाया, उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मैं नहीं कर सकती, मुझे टेबलेट बता दे। उन्होंने कहा सीटा ग्लूकोमेट शुरू कर दे, सुबह 50/500 वाली सुबह और रात ग्लूकोफेज, ठीक है। वो भी मैंने स्टार्ट की अभी एक माह हुआ था, मैंने अप्रैल में चेक करके ना जब मेरा 7.2 इंसुलिन के बाद में जितने। आप डॉक्टर साहब साथ साथ चाय भी पिए, जब चाय पिएंगे तो कैमरे में ना ये आएगा फातिह डायबिटीज तो ये जरा अच्छा लगेगा, सबको पता चलना चाहिए देखो भाई फातिह डायबिटीज है और ये बाहर डायबिटीज है, ठीक है। कपों के पैसे पूरे कर रहे हैं सर असल में। हमने कपों के दूसरी साइड पे हमने टारगेट लगा दिया ना कि नाश्ते से पहले 110 और खाने के बाद 140 नाजरीन ने, और नाजरीन को दिखाने के लिए जी फातिह डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब इंसुलिन लग गई, इंसुलिन का भी जायका चख लिया, उसके बाद वो एक महीना किया, उसके बाद मैंने ये टैबलेट शुरू की हुई थी वो भी 1-1.5 महीने से। फिर आप हमारे पास कैसे पहुंची? मैं कह रही हूँ ना कि मेरे रिलेटिव में ही उन्होंने कहा कि वो आपने पहले बताया था, अब रिकॉर्डिंग भी जा रहा है। अशरफ चौधरी का उनका प्रोग्राम है, आप फेसबुक पे देखें, मैंने वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि ठीक है आपस की गल है कि पहली नजर से ना मैं फ्राडिया भी लगता सर, वो आप पे ट्रस्ट नहीं है। वैसे आप ना इतना लगते जितना आप खुद अपने आप को कहते हैं। हमें मुझे एक चीज होती है कि मतलब खुद बताने से लगते हैं ना, ताकि लोग सोचे भी तो उस पहले क्लियर हो जाए। नहीं वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नहीं आई फीलिंग, लेकिन मैंने कहा ये डॉक्टर की वजह से ट्रस्ट आ जाता है, ट्रस्ट आ गया। वो घर में फिर मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा 18,000 पे ही है, कहते कोई नहीं इतनी दवाइयां पे भी लग रहे। मैंने कहा ठीक है, मैंने फौरन कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर पहले शेख जायद में थे, अभी तो मैं जनाब की पोस्टिंग होगी और डॉक्टर महबूब साहब हैं न्यू अस्पताल में, इनके तहकीक के लिए उतना ना रिश्तेदारों ने, रिश्ते जब हुआ था तो उतना तहकीक नहीं की थी जितनी अब इनकी तहकीक होती है। हर चौथा बंदा वहां पे ना इनकी तस्वीर लेकर फिर रहूंगा जी डॉक्टर कैसर इधर है या नहीं है, है या नहीं है। तो अब जहां लाहौर में है लोग चले जाते हैं, तो नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो यकीन आ गया आपको? यकीन आ गया मैडम, पेमेंट आ गया। मैंने पेमेंट मतलब 2 दिन हो गए थे, मैंने थोड़ा 2 दिन मुझे सोचने। अब 26वें सीजन में थी, 26वें सीजन 3 जुलाई को मैंने कर दी। अच्छा। और 4 को डॉक्टर साहब के साथ कंसल्टेशन थी मेरी,
ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने मेरी ग्लूकोफेज उन्होंने कहा रात वाली लो जी जो पिछले आप 3-4 साल से खा रही थी। हाँ जी 20 से मैं खा रही 20 से खा 4 साल से खा रही थी तो रात मतलब आपने पहले दिन ही ग्लूकोफेज कंपनी वालों ने ना मार देना हमें, उन्होंने कहना कि केड़े डॉक्टर ने केड़ा टोला है। चौथे दिन 8 जुलाई को मेरी सीटा ग्लूकोफेज बंद हो गई। टेबलेट बंद होने से ना मुझे लगा जैसे मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई। दवाइयों की याद तो नहीं आई फिर? नहीं मुझे मैं पूरी ना महीने की लेती थी, फिर डॉक्टर से मैंने पूछा कि पूरी मंथ की मैं दवाई लेती हूँ तो कितनी लूं, उन्होंने कहा कि अभी आपने नहीं लेनी है। मेरी पिछली मतलब 5-6-7 तक चलती थी, फिर मैं आगे ले लेती मंथ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1-2 ग्लूकोफेज अभी भी टेबलेट पड़ी है मेरे डब्बे में, पड़ी है वो वहीं पड़ी है, उसको फ्रेम करवा के रखेंगे ताकि हम कहा करेंगे किस जमाने में हम खाते हैं। अच्छा वो जो डॉक्टर जो कह रहे थे कि इंसुलिन पे चले जाएं तो उन डॉक्टर उनको मैंने अब बताया अभी मैंने जो अब टेस्ट लास्ट 30 को करवाया है। मैं डॉक्टर मुबशिर है हमारे साथ, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा 6.1 आया एक लैब से और दवाइयां भी छूट गई, दवाइयां भी छूट गई तो नो इंसुलिन नो मेडिसिन। हाँ जी और 6.1 आपका एचबी1सी आ गया उसमें जो कि प्री डायबिटीज की रेंज। हाँ जी तो मैंने उन्हें बताया तो बड़ा खुश हुए, कहते कि हैरान नहीं हुए, हैरान भी हुए। उनकी मदर को भी है थोड़ी सी प्री डायबिटिक, मैंने कहा ये चीजें शुरू करवाएं। अच्छा अब आप उनका इलाज करेंगे? इलाज साथ में अपने पेशेंट्स को इतना मतलब जो थोड़ा मुझे लगता है पीसीओएस वाला है ये कि ये छोड़ दें, लोग असल में रोटी छोड़ने पे तैयार नहीं होते। अच्छा आपने जो डाइट प्लान पे अमल किया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ डाइट प्लान पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, बल्कि इजी हो गया, जो सुबह रोटी अपने लिए बनाती थी वो भी छूट गई, वो भी जान छूट गई, जान छूट गई। सीधे सीधे दो अंडे पानी पाओ उबाल के खा लो ना कुछ फिक्र ना फाका और चाय पी के। मैं पहले अच्छा एक चीज और मैंने ना वो पनीर डोडा वो पहले से थोड़ा अरसा शुरू किया। हर बंदे ने नुस्खे आजमाया है 8-10 पनीर डाल के वो अभी भी ले लेती हूँ सुबह उठ के पहले वो, रात एक भी होया तो चिया सीड थोड़ी देर बाद चिया सीड, फिर अपना तैयार होगी मैं हॉस्पिटल के लिए, फिर नाश्ता 2 अंडे बॉयल किए, फिर थोड़ा अच्छा। सा और अपना तैयार थोड़ा 10-15 मिनट के बाद चाय। अब चाय क्योंकि टाइम ऐसा होता है कोशिश होती कि ज्यादा गैप हो जाए, नहीं होता है 10-15 मिनट के, और जिस दिन ना पी के जब मैंने छोड़ के भी देखी कि हॉस्पिटल जाके भी 10 बजे पीती हूँ बस कुछ आते लेकिन वो इतना बस सर में दर्द या थोड़ी सुस्ती सी हो जाती है कि वो फिर मैंने कहा था नहीं चले ज्यादा नहीं, एक वो और एक शाम का चाय का बस। डॉक्टर साहब आपका वजन कम हुआ? वजन मेरा 70 था अब 64-63 भी हो जाता है किसी। अच्छा, 63 तो 7 किलो वजन आपने फ्री में कम कर दिया। हालांकि ये मैं बहुत अरसा पहले तो अपना वजन मेरा 65 तक ठीक रहता था, ऐसा ऐसा ये हॉस्पिटल जब मैं जॉब करी थी 74 तक भी मेरा पहुंचा, उसके बाद रमजान में थोड़ा सा कम हो जाता था लेकिन उसके बाद बड़ी कोशिश मैंने की है मेरा नहीं कम हो रहा था और अब ये ऑटोमेटिकली। तो कैसा महसूस करती हैं आप? दवाइयां भी खत्म है आपके लेवल मुझे तो पता चलते रहते हैं ठीक आ रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि डाइट प्लान पे अमल करें तो आप ठीक हैं, थोड़ी सी भी चीटिंग करेंगे तो आप फौरन डॉक्टर समझ रहे हैं कि आप मशीन चेक कराएं आपका ये किस तरह कम हुआ। हां वो मैडम के हस्बैंड कह रहे हैं कि इनकी बेटे की तरफ से पैगाम है कि 6.1 कहीं फॉल्ट ना हो। एक मेरे पेशेंट थे पिछले अभी सीजन में आपके EC26 में, उनका ना 12 के करीब HbA1c था, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आए, पहले डॉक्टर ने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने उनको बेताशा दवाइयां दी अभी पता ही चली थी, उनका ना 4.8 आ गया। तो उन्होंने एक लैब से करवाया, कहते डॉक्टर साहब ये मुझे तो नहीं यकीन आ रहा। मैं कहा दूसरी लैब से करा ले, मैं कौन सा खुद लैब खोली हुई है या मैंने को कौन सा खुद टेस्ट किया, उनका उतना भी वहाँ से भी इतना। कहते डॉक्टर साहब यकीन नहीं आ रहा। मैं कहा लैब से देख, बेसिकली आपके लेवल्स ठीक, जब डेली HbA1c हो रहा है ना आपकी फास्टिंग रैंडम वो ठीक आ रही है तो HbA1c कौन सी बीमारी लगी हुई है उसने बढ़ना है वो डेफिनेटली आपके तो नहीं है। और मैं आपको बताऊं फैमिली में इस्लामाबाद बहनोई है उनको भी बड़ा मैंने कन्विंस कर लिया, उनको भी शुगर है फैसलाबाद में। हाँ जी वो तो बहुत पुरानी मेडिसिन फैसलाबाद में, अभी वो तो अभी रिसेंटली चेक करवाई है तो उनका आया 11, तो वही डॉक्टर्स ने उनको शुरू करवा दी मेडिसिन। मैंने कहा ये आपकी डाइट प्लान सब कुछ मैंने कहा मैं आपको भेज रही हूँ इस पे अमल करें, लेकिन थोड़ा कंट्रोल उन्होंने किया है लेकिन 6 महीने बाद या साल बाद। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट खुद डॉक्टर डेली पेशेंट्स आप इतना देखते हैं कॉम्प्लिकेशन शुगर की साइंस अब पता चल गई आपको?
मतलब इतनी ये साइंस ने किसी ने समझाई और यही था कि बस ये अब रिवर्स नहीं होनी और दिमाग में भी यही था कि ये अब वापस नहीं होनी। मैडम आपकी डायरी की क्या स्टोरी है जी? अभी आप एक डायरी भी लाई हुई है। हाँ, डायरी भी लेकर आई। डायरी मेरी ये कि मुझे चीजें भूलने लग गई थी। हाँ, अच्छा, लेकिन अब बेहतर हो रहा है। अब बेहतर हो रहा है ना, तो एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे हमेशा कहते हैं कि शुगर के पेशेंट जो हमारे डाइट में होते हैं उन्हें भूलने की आदत पड़ जाती है। आपकी बाय द वे भूलने की आदत बेहतर हुई है या खराब हुई? नहीं नहीं मेरी बेहतर हुई है। बहुत चीजें जैसे रखे याद ही कमरे में कि क्या करना है भूल जाती थी, और कोई काम किसी ने कहा मैं कहती थी इसी वक्त कर दूं मैं आपका, मतलब बाद में भूल जाऊंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा गाइड भी कर दें नाज़रीन को कि ये भूलता बंदा क्यों है। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ना डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ सकता है। अल्जाइमर डिजीज भी बेसिकली इसका कनेक्शन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ है। वैसे उसको टाइप 3 भी डायबिटीज कहते हैं, ब्रेन की डायबिटीज भी कहा जाता है कि लाइक इसका कनेक्शन है। तो डायबिटीज जब आपकी खराब है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपको लाइक मेमोरी प्रॉब्लम भी आएगा। अगर आपकी डायबिटीज ठीक होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक होगी तो आपके मेमोरी का प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज आप भूल गए। सर तुसी बोले से नहीं नहीं मैं बता लगा वो ये है कि जो मेटफॉर्मिन हम खाते हैं ना। हाँ, मेटफॉर्मिन के मेटफॉर्मिन से खुद भी फॉरगेटफुलनेस होती है। मेटफॉर्मिन आप तो खाती रहे ग्लूसामेट में, उसमें ग्लूकोफेज भी आप खाते रहे, इससे आपकी बॉडी में एक तो B12 की कमी हो जाती है। जब B12 की कमी आएगी तो फिर आप जो न्यूरोपैथी है वो भी स्टार्ट हो जाती है, प्लस यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको बताऊं कि हमने कोई 25-25 का डिब्बा मेयर हस्बैंड B12 का इंजेक्शन न्यूरोमेट रखते थे। बेसिकली मुकाबला एक दो दिन बाद लगाते रहे, रोटी वर्सेस गोली है ना, तो इसी तरह मेटफॉर्मिन वर्सेस B12 तो वो हम साथ अपने वो 25 वाला 20 वाला पूरे अपने कंपनी से मंगवा के हम लगाते रहे कि वो टांगों में दर्द थकान वो इस चीज को कि अभी वो बेहतर हुई चीज है सारी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से इंजेक्शन छोड़ के पड़ी भी डिब्बी वो पड़ी। मैडम की इस वक्त जो फॉरगेटफुलनेस का हालत ये थी कि बकायदा डायरी लेकर आई है जिसमें ये HbA1c कब कब कहां रहा है, कब करवाया था, शुगर कब हुई थी, हमने कहा जरूरत नहीं है। और अभी डॉक्टर साहब आपकी तमाम दवाइयां छूट गई? दवाई अभी सिर्फ मैं ब्लड प्रेशर की ले रही हूँ। अच्छा, वो भी कोशिश एक दिन मैंने की थी कम मेरी हो गई है। अच्छा, मैं अपना कोई जी डे 50 ले रही थी। पिछले दिन डॉक्टर साहब मेरे हैं डॉक्टर अजहर अवान, एवर केयर में मैं चेक करवा रही हूँ, तो उन्होंने मेरी 25 इजी डे कर दी। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, और हरबी सर थोड़ा सा वो बेसिकली आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम था, या मुझे लगता है कि वो मुझे ना शुगर के साथ ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती थी और कॉन्स्टिपेशन मेरी बहुत ज्यादा थी, तो जब मैं रात उठती थी मुझे लगता था मेरी पेल्पिटेशन इतनी ज्यादा धड़कन तेज होती थी कि मैं दोबारा सो नहीं सकती थी। और मैंने कहा पता नहीं कोई दिल का मसला शुरू हो गया। उसके बाद एनजीओ भी मैंने फैब में करवाई। अच्छा, साल जो नॉर्मल वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। वो ECG थोड़ी सी टी वेव इन्वर्जन में ही आती थी, लेकिन एनजीओ मेरे ठीक है। अच्छा, आपने अभी जो टेस्ट करवाए हैं उसमें आपने अपना लिपिड प्रोफाइल भी करवाया? लिपिड प्रोफाइल मेरी ट्राइग्लिसराइड पहले 99 थी, अब 75 हो गए। ना करो संजय। और यार इतने अच्छे रिजल्ट्स ना बताओ कि लोग मुझे फ्राटिया कहें। और मेरे HDL जो है ना 39 थे। हमारी कोई लैब नहीं है। 39 थे। थोड़ा सा बढ़ा के पेश करें ना, कुछ जेनुइन तो लगे ना। नहीं, अब 45 है। मतलब रेशो जो पहले 2.5 थी मेरी ट्राइग्लिसराइड, आप कहते हैं ना रेशो की 2.5 थी, अब 1.6 है। जबरदस्त, 100% इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म है। हां, तो 5 मिलीग्राम मैं रेवेस्ट्रा ले रही हूं रात। वो डॉक्टर साहब कहते थे कि चले आप लेती रहे, तो मुझे लगता था कि वो शायद ऐसा ऐसा वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे इसकी इतने पे डॉक्टर साहब बनती तो नहीं है वो, सर असल में हार्ट के इशू से। अच्छा, हार्ट के प्रॉब्लम उसकी वजह से स्पेसिफिक वो है आपका मेंशन। लेकिन अब मैंने देखा है मेरा घर ऊपर है, सीढ़ियां चढ़ के उस तरह वो सांस नहीं मेरा बोल रहा है। ठीक है, कुछ टांगों का भी मुझे लगता है, घुटनों का थोड़ा फर्क है, मतलब अपने आप को एक्टिव महसूस कर रहे हैं। वजन जो कम हो गया, जो सबसे जो मेरी दवाइयां भूलने वाला काम भी खत्म हो गया, कौन सी पहले लेनी कौन बाद में लेनी, बगैर कोशिश के वजन कम हो गया, ये सबसे ज्यादा खुशी हुई है मुझे कि ये मेरा वेट कम हो गया। डॉक्टर साहब आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, खासतौर पर जो जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट आते होंगे। नाज़रीन, जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान जो जिनको डायबिटीज हो जाती है
उसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, पीसीओएस के भी पेशेंट आते होंगे, बेबी शुगर भी इसे बोला जाता है, बेबी शुगर, ठीक है। अच्छा, आप उनको आप गाइड करती होंगी? बिल्कुल। क्या करना चाहिए? पहले तो मेडिसिंस पे ही थे, लेकिन जब से मैंने खुद अपनी स्टार्ट की है डाइट में, उनको भी इसी तरह गाइड करती हूं। मैं हर पेशेंट्स को जो कम कहते हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो उनको भी यही में। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं अपने हॉस्पिटल की अशरफ चौधरी हो गई हूं। मैं तो कह रही हूं कि हर बंदा अशरफ चौधरी बन गया जितने ग्रुप के मेंबर्स। वो डॉक्टर महबूब साहब ने एक अमेरिका से मियामी से खातून को इंटरव्यू किया लाइव, वो हमारे मेकअप सीजन किसी में है, तो वो कहने लगी जी मैं वहां पे मियामी में औरतों की अशरफ चौधरी हूँ, ठीक है, अमेरिका में अशरफ चौधरी वो कह रही हूँ। मैं हर पेशेंट को, हर गाइड, लेकिन हमारे लोगों को ना अवेयरनेस टाइम लगता है, इसलिए मैडम ये रिकॉर्डिंग इसलिए करवाई जा रही है लोगों की अवेयरनेस के लिए। हाँ, अदरवाइज मैं सीजन 29 वाले लोग इस टाइम मुझे बुरा भला कह रहे होंगे अशरफ साहब की वजह से, क्योंकि उनके मैसेजेस देना मैं नहीं करने ना, तो मैं इधर बैठू। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को शुगर है, अगर सारा पाकिस्तान लेबोरेटरीज का रुख कर ले तो 1.5 करोड़ और इससे ज्यादा होंगे, 1.5 करोड़ और निकल जाएगा, तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में शुगर है और ये साइलेंट किलर है, ठीक है। आप पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगी और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं तो यही कहूंगी कि मेडिसिन से आप इस साइड गजाई, हमें पता चला गजाई बीमारी है, ये वाकई रिवर्स हो सकती, तो कोशिश करें सब अपनी रिवर्स कर सकते हो। मैंने देखा है कि इंसुलिन लोगों की इतनी पुरानी जुड़ गई, तो कोशिश करें, कोशिश से कौन सा काम नहीं हो सकता है। तो वही ना कि अपने आप को इस साइड लेकर आए, आपका प्रोग्राम देखें, मैं तो कहती हर बंदा आप, और मैं जितने महल में आपके लोग बढ़ेंगे हम भी कोशिश कर रहे हैं साथ आपके साथ मिलके, जितने हमारे हर सीजन में रजिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि अब हमसे भी नहीं संभाली जा रही। तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, देखें मैं वही बात है कि जो डॉक्टर्स नहीं कर सके वो आपने काम किया, अल्लाह ताला का बख्त, और इतनी दुआएं आप ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी दुआएं दे रहा है ना ठीक है। और मैं देखा है प्रोग्राम में बहुत लोग, मैं तो फिर अभी इतना ज्यादा नहीं, बहुत लोगों के प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन से जो ठीक है, लोग ही बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो बगैर उसके आप बिल्कुल किस लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपके जो कंसल्टेंट थे डॉक्टर कैसर फारूक साहब, इनकी हमने ना अभी सितंबर की पेमेंट अभी नहीं की, करनी है। आप ये बताएं कि एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इनकी रेटिंग कैसी है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, रेटिंग क्या, जितने स्टार कहेंगे मैं उतने दे दूंगी। मैं तो कहूंगा कम स्टार दें, क्योंकि एक स्टार पे लाख रुपए में उनका काटना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती फौरन, और मुझे पता है ना कि हम लोग कितने बिजी होते हैं, और इनकी भी ये तो फिर इतने प्रोग्राम्स भी, उनकी कंसल्टेशन चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई भी मैसेज हुआ इन्होंने रिप्लाई किया है, और कभी मैं तो जो रेगुलर ग्रुप में उसमें इतना नहीं, ज्यादा डॉक्टर साहब के साथ छोटे ग्रुप में। हाँ जी, क्योंकि मेरी थोड़ी रूटीन हर वक्त प्लेटें शेयर, और ये एक आध दफा किया मैं खान में, वो फिर पहले प्लेट में, तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब से भी जो भी मसला हो मैंने जब भी डिस्कस किया है, डॉक्टर मुनीबा इनके साथ है, उन्होंने रिप्लाई, इन्होंने नहीं किया तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया है, तो मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ। हमारे किसी हेटर ने तो आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया था कि ये प्रोग्राम में आप क्यों ज्वाइन किया हुआ? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को ना वो कांटेक्ट भी करते हैं। नहीं नहीं, वो मैडम के समझ हॉस्पिटल में ना, हम जो दूसरे शोबों के डॉक्टर होते हैं ना, हम गायनेकोलॉजिस्ट को ज्यादा तंग नहीं करते। अच्छा, तो इनको किसी ने तंग करके मर नहीं। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर समरा ज़ाहिर साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MBBS इन्होंने किया हुआ है, और गायने की, फैमिली प्लानिंग की, PCO की प्रैक्टिस करती हैं। इनकी शुगर ख़त्म हो गई है, इनका HbA1c जो लास्ट आया है 6.1 आया है, दवाइयाँ इनकी छूट गई हैं। हमारा पैगाम बड़ा सादा सा है जी, शुगर गिजाई बीमारी है, गिजाई बीमारी है, गिजाई बीमारी है। अगर आप अपनी गिजा दुरुस्त कर लें, तो जैसे डॉक्टर साहबा की शुगर कंट्रोल हुई, दवाइयाँ इनकी ख़त्म हुई, 3 दिनों में इनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, हर बंदे की खत्म हो सकती है। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, ये बुनियादी तौर पे हम 90 दिन के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको
उनकी तरबियत करते हैं, उनको जहनी तरबियत करते हैं कि आपने इस बीमारी के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसको कैसे शिकस्त देनी है। अगर आपके घर में भी कोई शुगर का मरीज है या आप खुद शुगर के मरीज हैं तो हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल हो जाएं। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रابطہ करेगी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।